एक दिन सरयू के तट पर तीनों भाइयों संग टहलते श्री राम से भरत भैया ने कहा, एक बात पूछूं भैया, माता ककई ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंत्रा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, क्या वो राजद्रोह नहीं था? उनके षड्यंत्र के कारण एक और राज्य के भावी महाराज और महारानी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, तो दूसरी ओर पिता महाराज की दुखद मृत्यु हुई। ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों के अनुसार तो मृत्यु दंड दिया जाता है, फिर आपने माता ककई को दंड क्यों नहीं दिया? राम मुस्कुराए और बोले, जानते हो भरत, किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले ले तो उसका जीवन उसके असंख्य पीढ़ी के पितरों के अपराधों का प्रायश्चित कर देता है। जिस माँ ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया हो, उसे दंड कैसे दिया जा सकता है भरत? भरत संतुष्ट नहीं हुए और कहा, यह तो मोह है भैया, और राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है। कृपया एक राजा की तरह उत्तर दीजिए कि आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया। समझिए कि आपसे ये प्रश्न आपका अनुज नहीं, अयोध्या का एक सामान्य नागरिक पूछ रहा है। राम गंभीर हो गए, कुछ क्षण के मौन के बाद कहा, अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड ना देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है भरत। माता ककई ने अपनी एक भूल का बड़ा ही कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 वर्षों में हम चारों भाई अपने अपने स्थान से परिस्थितियों से लड़ते रहे, पर माता ककई हर क्षण मृत्यु दंड भोगती रही है। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति खोया, अपने 4 बेटे खोए, अपना समस्त सुख सम्मान खोया, फिर भी वे उस अपराध बोध से कभी मुक्त ना हो सकी। वनवास समाप्त हो गया तो परिवार के शेष सदस्य प्रसन्न और सुखी हुए, पर वे कभी प्रसन्न ना हो सकी। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड क्या दे सकता है? मैं सदैव ये सोचकर दुखी हो जाता हूँ कि मेरे कारण अनायास ही मेरी माँ को इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। राम के नेत्रों में जल उतर आया था और भरत आदि भाई मौन हो गए थे। राम ने फिर कहा, और उनकी भूल को अपराध समझना ही क्यों भरत? यदि मेरा वनवास न हुआ होता तो संसार भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों की अतुल्य भ्रातृ प्रेम को कैसे देख पाता? मैंने तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन मात्र किया था, पर तुम दोनों ने तो मेरे स्नेह में 14 वर्ष का वनवास भोगा। वनवास न होता तो ये संसार सीखता कैसे कि भाइयों का संबंध होता कैसा है? भरत के प्रश्न मौन हो गए थे, वे अनायास ही बड़े भाई से लिपट गए। राम कोई नारा नहीं है, राम एक आचरण है, एक चरित्र है, एक जीवन जीने की शैली है। जय श्री राम। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे पॉडकास्ट चैनल लिसन वॉइस ऑफ बुक्स पर सुन सकते हैं। इस चैनल का एक्सेस आपको JioSaavn, Gaana.com, Amazon Music और Spotify जैसे ऐप प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएगा। आपको बस सर्च बटन पर लिसन वॉइस ऑफ बुक्स सर्च करना होगा। साथ ही हमारे चैनल का फेसबुक पेज भी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी फॉलो करिएगा। तो चलिए, दीजिए मुझे इजाजत और मिलते हैं अगली बार एक और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए, इस कहानी को सुनने के लिए और ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।